अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हम जो है ये बुक का टाइटल आपको नज़र आ रहा है, इस बुक से मैं आपको करवा रही हूँ। सेक्शन नंबर 3.10 है द डॉपलर इफेक्ट। ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स अपेयर्स लेंथेंड व्हेन द सोर्स रिसीड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हमें पता है जब भी जो है हमारे जिस सोर्स से हमारी वेव्स आ रही होती हैं, ऑब्जर्वर से जितनी दूर जाता जाएगा उतनी वेव्स वेव्स जो है उसकी लंबी होती जाएंगी, लेंथेंड होती जाएंगी। सिमिलरली साउंड जो है वो क्या होती जाएगी, गहरी होती जाएगी अगर ऑब्जर्वर और जो हमारा सोर्स है वो एक दूसरे से दूर होता जाएगा। और लाइट अगर एक दूसरे ऑब्जर्वर से दूर जाती जाएगी तो वो रेड एंड हो जाएगी, मतलब रेड कलर की हमें शो होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली द ऑपोजिट अकर्स व्हेन द सोर्स इंस्टेड अप्रोचेज द ऑब्जर्वर। और बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो प्रोसेस अमल में आता है अगर जो है वो सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहे हों। वी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द क्लासिकल डोपलर इफेक्ट। फॉर क्लासिकल डोपलर इफेक्ट कंसिडर अ सोर्स ऑफ लाइट अमिटिंग रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज इट्स रेस्ट फ्रेम इज लैम्डा नॉट। हमने यहाँ से अजम्पशन स्टार्ट की है कि हमने एक सोर्स लिया जिसमें से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है, उसकी रेडिएशंस आ रही हैं और उसकी जो वेवलेंथ है किसी रेस्ट फ्रेम ऑफ फ्रेम जो है उसके साथ उसकी जो वेवलेंथ बन रही है वो लैम्डा नॉट है। कंसिडर एन ऑब्जर्वर एस रिलेटिव टू हुज फ्रेम द सोर्स इज इन मोशन विद रेडियल वेलोसिटी यू आर। अब हमने जो फ्रेम लिया है उसके हिसाब से वो रेस्ट की पोजीशन में है लेकिन वो फ्रेम मूव कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा हम जो फ्रेम ले रहे हैं रिलेटिव फ्रेम एस फ्रेम लेने जा रहे हैं, इसका मतलब जो हमने पहला फ्रेम लिया था वो कौन सा था, एस डैश है, ठीक है। एस डैश फ्रेम हमारा मूविंग में है और एस हमारा क्या है, रेस्ट की पोजिशन में है। तो रिलेटिव टू एस जो है हमारी रेडियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, यू आर के फॉर्म में रेडियल वेलोसिटी होगी। देन इफ टू सक्सेसिव पल्सेस आर एमिटेड एट टाइम डिफरिंग बाय डी टी डैश एज मेजर्ड बाय एस डैश। हमने एक पल्स नहीं दो पल्स ली हैं कि हम कह रहे हैं कि दो पल्सेस जो हैं वो सोर्स में से निकल रही हैं कितने फर्क के साथ, टी डैश फर्क के साथ, और वो कहाँ पे हम उसको मेयर जो है वो कर रहे हैं, वो एस डैश पे हम उसको मेयर कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज पल्सेस हैव टू ट्रेवल विल डिफर बाय एन अमाउंट यू आर डी टी डैश। अब डिफरेंस जो होगा उन पल्सेस के दरमियान डेफिनेटली जो है वो ट्रेवल करेगी तो उसका कोई डिफरेंस भी हमें मिलेगा, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे, और वो कितने ट्रेवलिंग डिस्टेंस के अमाउंट हमारे पास यू आर डी टी डैश है। इसको उसने कहा है कि आप फिगर जो है 3.11 में इसको चेकआउट कर सकते हो। ये हमारे पास 3.11 है कि जितने डिफर के साथ जो दूसरी वेव हमारी ये फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई है जब हमारा सोर्स जो है एस डैश वो थोड़ा मूव कर गया है राइट हैंड साइड पे, तो उतना जो टाइम डिफर आया है जो उसमें वेवलेंथ डिफर आया वो यू आर डी टी डैश है और टाइम डिफर जो है वो टी डैश है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि सिंस द पल्सेस ट्रेवल विद स्पीड सी, तो जाहिर है हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी पल्सेस, ठीक है। इट फॉलोज दैट दे अराइव एट एस विद टाइम डिफरेंस, तो जब वो ये पल्सेस जो हैं एस तक पहुंचेंगी तो उनको कुछ टाइम डिफरेंस चाहिए कुछ। ये देखिए यहाँ से पल्स जो है वो एमिट होना स्टार्ट हुई, सेकेंड पल्स जो है वो इस इतने टाइम डिफरेंस के साथ दोबारा जो है एस फ्रेम से डिस्चार्ज हुई जब एस एस डैश फ्रेम हमारा मूव कर गया। तो ये जो पल्सेस हैं जब एस फ्रेम तक पहुंचेंगी तो डेफिनेटली वहां पे कोई जो है वो टाइम डिलेशन होगी या उसमें टाइम डिफरेंस होगा। ये टाइम डिफरेंस कितना होगा, डी डेल्टा टी इज इक्वल टू डी टी डैश प्लस यू आर डी टी डैश बाय सी। ये ऑलरेडी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है टाइम डिफरेंस की। देन गिविंग ये हम इक्वेशन हमें क्या देती है, अगर हम डी टी यहाँ से कॉमन निकाल के इस साइड पे डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। नाउ यूजिंग द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, हम फंडामेंटल रिलेशनशिप ले रहे हैं वेवलेंथ और वेलोसिटी के दरमियान, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। और अगर हम लेमडा नॉट की बात करेंगे इनिशियल वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो सी डी टी डैश की फॉर्म में आएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू में, यहाँ से हम डेल्टा टी की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे और डी टी डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये वाली साइड, ये चीज हमें मिल जाएगी। कैसे भला, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जी, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा बाय सी। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है लैम्डा बाय सी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। फिर इसी तरह हम जब डी टी डैश की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या आएगी, लैम्डा नॉट बाय सी हमारे पास बनेगी, लैम्डा नॉट बाय सी, ठीक है, लैम्डा नॉट बाय सी ये हमारे पास बनेगी। तो ये सी जब हमारी कैंसिलेशन होगी सी के साथ, तो फिर हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, जब हमारी सी की कैंसिलेशन सी के साथ हो जाएगी तो यहाँ रह जाएगा आपके पास लैम्डा ओवर लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा ओवर लैम्डा नॉट आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चेंजेस आ जाएगी, वेयर एज राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। ये जो इक्वेशन है 3.25, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डोपलर फार्मूला। ये डोपलर का फार्मूला है, डोपलर इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं कि जब हमारे पास एक ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जो हमारी सोर्स से जो लाइट एमिट हुई है वो ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना उसमें वेवलेंथ वेरिएशन आएगी, टाइम वेरिएशन आएगी, और उसमें कितनी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्लूड होगी, वो मिलके ये एक फार्मूला हमें जो है वो मिलता है, ये क्लासिकल डोपलर इफेक्ट कहलाता है। लेट अस नाउ कंसिडर द स्पेशल रिलेटिविस्टिक फार्मूला बिकॉज ऑफ टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन की वजह से द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पल्स अकॉर्डिंग टू एस इज बीटा डी टी डैश, हेंस बाय द सेम आर्गुमेंट द पल्स इज अराइव एट एस विद अ टाइम डिफरेंस। अब यहाँ पे वहां देखें, आपको वो एक हिंट दे रहा है, कह रहा है कि टाइम डिलेशन वाले टॉपिक की बात कर रहा है, टाइम डिलेशन वाला जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनेगी बीटा टी डैश वैल्यू बनेगी, ठीक है। जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल उसकी वो बात कर रहा है। अब ये मैंने टाइम डिलेशन का टॉपिक ही इतना जो है वहां से कैप्चर करके यहाँ पे पेस्ट किया है, जिसका वो रेफरेंस दे रहा है। इसमें आप देख सकते हो ये वैल्यू जो है टाइम डिलेशन की उसने क्या फाइंड आउट की है, टी इज इक्वल्स टू बीटा टी नॉट। तो ये टी नॉट जो है उसको हम डी डैश का ही नाम देंगे। इट्स मीन हमारे पास जो टाइम इंटरवल आ रहा है बिटवीन सक्सेसिव पल्सेस, जब हम स्पेशल रिलेटिविस्टिक एरिया की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा डी डैश बन जाएगा। हेंस बाय द सेम आर्गुमेंट द पल्सेस अराइज एट एस विद अ टाइम डिफरेंस। जैसे हमने ये टाइम डिफरेंस की बात कहा था कि जब पल्सेस पहुंचेंगी तो ये फार्मूला होता है, सिमिलरली फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बीटा आ जाएगा और इधर हमारे पास बीटा की टर्म इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक, स्पेशल रिलेटिविस्टिक फार्मूला की बात कर रहे हैं, एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम के रिलेटिवली देख रहे हैं। हेंस द सेम आर्गुमेंट, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से आप ये वैल्यू फर्दर ड्राइव कर सकते हो, डेल्टा टी इज डिवाइडेड बाई डी टी डैश, और यहाँ से इनमें से बीटा कॉमन ले लें तो आपके पास इन साइड रह जाएगा 1 + UR/C रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये बीटा की वैल्यू वो आपको ऑलरेडी पता है, बीटा जो है, बीटा कह लें या हमने इसको मेरे ख्याल गैमा भी पढ़ा था, ये हमारा जो है वो के फैक्टर जो है वो वही वाली चीज है, ठीक है। गैमा कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में ये जो है बीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। हमें पता है कि बीटा जो है वो या के फैक्टर जो उसकी वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू हम यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा टी बाई डी टी डैश, ये वाला डेल्टा टी बाई डी टी डैश, इसकी वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, डेल्टा टी बाई डी टी डैश। जब ये देखें ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास आई थी, यहाँ से सॉल्व होने के बाद ये बन गई थी लैम्डा बाय, ये बन गई थी लैम्डा बाय लैम्डा नॉट बन गई थी, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, ये वाले इस जो है डेल्टा टी बाय डी टी डैश की जगह, और यहाँ बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी।
ये जो हमारे पास है, सो दिस टाइम वी फाइंड द स्पेशल रिलेटिविस्टिक डोपलर फार्मूला। ये हमारा स्पेशल रिलेटिविस्टिक डोपलर फार्मूला है। अब हम इसकी स्पेशल केसेस कुछ देखेंगे। पहला केस हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो ये वाली है। उसने कहा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज प्योरली रेडियल, हम सिर्फ कहें कि हमारी सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो रेडियल की ही फॉर्म में है, तो हम उसको रेडियल फैक्टर उसका खत्म करके वहाँ पे वी लिख देंगे, वेलोसिटी वाली फॉर्मेट लिख देंगे। तो यू आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी टर्म इंक्लूड हो जाएगी। हेंस जो ये इक्वेशन है 3.26 ये रिड्यूस करके ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन कैसे बन रही है, हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एज इट इज ही है। क्या मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ हाफ टाइम ये और हाफ टाइम ये, मिलके कितने टाइम हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 टाइम हो जाएगी। सिमिलरली ये मेरे पास जो है 1 का स्क्वायर माइनस v ओवर c का होल स्क्वायर, तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है a² - b² वाला। इसको एक दफा मैं प्लस में, एक दफा इसको माइनस में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये किया, एक दफा इसको माइनस में लिखा, एक दफा इसको प्लस में लिखा। अब मेरी ये प्लस वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू से, हाफ वैल्यू से कैंसल हो गई। ये भी हाफ में है, ये भी हाफ में है, ये कैंसल आउट होगी। बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 + v/c power 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - v/c power 1/2, जो कि टोटल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये वाला फार्मूला 3.27 जो है, दिस फार्मूला, इसको हम बोलते हैं रेडियल डोपलर शिफ्ट। मतलब इसमें हमने शिफ्टिंग की है कहाँ से, कि रेडियल से हम जो है इसको प्योर वेलोसिटी में ले गए हैं। अब इसी फार्मूला में आप देखें, इस वाले फार्मूला में अगर हम इस सी की जगह यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को सिंप्लिसिटी के लिए 1 पुट कर लें, तो हमें जो है वो वैल्यू यहाँ पुट करने से हमें एक वैल्यू मिलेगी 1 - v और डिवाइडेड बाय 1 - v उसकी पावर जो है वो 1/2। तो वो कह रहा है कि वी ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2.4 विच इज द फॉर्मूला ऑफ द के फैक्टर। मतलब वो जो इक्वेशन हमें मिलेगी इसी बुक के 2.4 इक्वेशन के मुताबिक वो के फैक्टर का फॉर्मूला होगी। ये देखें, ये मैंने वो इक्वेशन यहाँ पे पेस्ट की हुई है, आप इसको देख सकते हो कि के फैक्टर इज इक्वल टू 1 + v डिवाइडेड बाय 1 - v power 1/2 और ये इक्वेशन 2.4 है। तो यही वो कह रहा है कि जब अगर हम इस वैल्यू में सी की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है या ये लैम्डा बाय लैम्डा नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, के फैक्टर के इक्वल। इस साइड पर हम के फैक्टर लिख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कंबाइनिंग फिगर्स 2.7 एंड 3.12, इसके 2.7 फिगर एक दफा देख लीजिएगा, उसमें के फैक्टर इन्वॉल्व है जबकि हमारे पास 3.12 इक्वेशन ये यहाँ पे दी हुई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसमें और उसमें ये फर्क है कि यहाँ पे हम डेल्टा टी और डी टी डैश ले रहे हैं, वहाँ हम के फैक्टर ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रेडियल डॉपलर शिफ्ट इज इलस्ट्रेटेड इन 3.13। मतलब जब इसमें हम के फैक्टर इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारी ये डायग्राम चेंज हो जाएगी। चेंज मतलब उसकी फिजिकली नहीं चेंज होगी, उसकी नेम हमारे पास जो है वो चेंजेस आ जाएगी। नेम में कैसे, हमारे पास टी जो है डी टी डैश या डेल्टा टी, वो टी में, टोटल टी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये टी में आ गया, ये टी में कन्वर्ट हो गया और ये टी में कन्वर्ट हो गया। जब ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास कन्वर्जन क्या बन गई, डी टी डैश इज रिप्लेस्ड बाय टी। फ्रॉम इक्वेशन 3.26 वी सी दैट देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ इवन व्हेन द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज जीरो। मतलब 3.26 की बात वो कह रहा है कि अगर हमारी ये रेडियल वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तब भी हमारे पास ये सी तो ऑलरेडी हमने 1 कर दिया ना, तो ये वैल्यू भी आपकी जीरो होगी तो ये टर्म वैसे खत्म हो जाएगी, तो रिमेनिंग आपके पास न्यूमिरेटर में जस्ट 1 रह जाएगा। तो कह रहा है कि अगर रेडियल वेलोसिटी को हम जीरो भी कर दें और मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है या सोर्स है वो सर्कुलर मोशन में हो किसी ओरिजिन में जो कि एस फ्रेम का है विद स्पीड वी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो 3.26 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जब हमने इस टर्म पे जीरो पुट कर दिया तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू
आवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² आवर c² पावर 1/2। तो ये हमें क्या दे रहा है, इट इज द ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। हमने इसको ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने रेडियल फैक्टर खत्म कर दिया तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स फैक्टर जो है वो रह जाएगा। दिस इज प्योरली रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये सारे का सारा जो है वो खालिस्तन जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है ड्यू टू द टाइम डिलेशन। इसमें टाइम डिलेशन भी इन्वॉल्व है ऑफ द मूविंग सोर्स, मूविंग जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी। एक्सपेरिमेंट्स विद रिवॉल्विंग अपरेटस यूजिंग इन द सो कॉल्ड मोसबर इफेक्ट हैव डायरेक्टली कंफर्म द ट्रांसवर्स डॉपलर शिफ्ट इन फुल एग्रीमेंट विद द रिलेटिविस्टिक फार्मूला। अब अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली करें कि रिवॉल्विंग अपरेटस ने और उसमें जो है वो कंफर्म करें, तो वो हमारे पास यही वाला जो है ट्रांसफर डॉपलर इफेक्ट शिफ्ट का जो फार्मूला है वो हमें रिलेटिविस्टिक फार्मूला मिल जाता है, दस प्रोवाइडिंग अनदर स्ट्राइकिंग वेरिफिकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ टाइम डिलेशन। इसी वजह से एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा ट्रू होता है। तो ये हमारा हमारी वैल्यू जो है वो टाइम डिलेशन को प्रूफ कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस v² ओवर c² है डिवाइडेड बाय सॉरी इसकी पावर जो है वो 1/2 है। ये हमारी वो वैल्यू हमें मिल रही है टाइम डिलेशन की वैल्यू, उसको ये सेटिस्फाई कर रही है। लास्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ लाइट। कंसीडर अ टेलीस्कोप ऑन स्टेशनरी पोजीशन विद अर्थ पॉइंटिंग एट एन एंगल थीटा टू कैप्चर लाइट फ्रॉम अ स्टार। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये एक टेलीस्कोप है जो अर्थ के साथ जो है एक एंगल थीटा बना रही है। ये थीटा एंगल पे यहाँ पे मौजूद है और ये किसी स्टार के जो है वो लाइट को, इस स्टार की लाइट को कैप्चर कर रहा है, इस स्टार की लाइट को, ये टेलीस्कोप, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहा जा रहे हैं नाउ लेट द, और उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना अर्थ और टेलीस्कोप के दरमियान वो है थीटा। नाउ लेट द अर्थ मूव विद वेलोसिटी वी इन द एक्स डायरेक्शन। अगर हमारी अर्थ अर्थ जो है वो एक्सटेंडेबल है, ठीक है, वो कि एक्स डायरेक्शन में उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी जो अर्थ है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी इन एक्स डायरेक्शन। एज बिफोर वी विल हैव टू टिल्ट द टेलीस्कोप टू अ न्यू एंगल थीटा डैश। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, हमने क्या करना है, ये एंगल थीटा पे है तो एक और हम जो है एंगल यहाँ पे लेते हैं, मतलब अपनी टेलीस्कोप को इस तरह से हमने थोड़ा टिल्ट कर देना है, थोड़ा डाउन ले आना है कि ये हमारे पास जो है वो एंगल थीटा डैश बनाना शुरू कर दे। लाइक यहाँ पे ये देखें, ये वाला एंगल जी, ये अब जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये एंगल हमारा क्या बनेगा, नया एंगल ये थीटा डैश बनेगा। हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है टेलीस्कोप की, पहले वो थीटा एंगल पे थी, अब उसको हम थीटा डैश एंगल पे ले आए। सो डैट फोटॉन्स कैन ट्रेवल डाउन टू द टेलीस्कोप ट्यूब टू द बॉटम। तो हम जैसे जैसे हम टेलीस्कोप नीचे लेते आएंगे तो जो फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं टेलीस्कोप के अंदर वो भी डाउन होते जाएंगे। तो इस सूरत हाल में हमारे पास टेन थीटा जो है और थीटा डैश के फार्मूलाज डिवेल्प होंगे। वो क्या होंगे, जो टेन थीटा का होगा वो PY/PX होगा। कैसे, ये हमारे पास जैसे टेन के फार्मूला बनते हैं आल्टीट्यूड बाय बेस, ठीक है। तो ये आल्टीट्यूड जो है वो वाई एक्सिस है, इसलिए PY हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हमारे पास बेस जो है वो एक्स एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पे ये PX आ गया। बाकी ये फॉर्मूला हमारा वही है जो हम पैथागोरस थ्योरम से ड्राइव करते हैं टेन थीटा का। सिमिलरली ये हमारे पास थीटा एंगल में लिया हमने और ये थीटा डैश में लिया, इसलिए यहाँ P' और X' आ रहा है। अब उसने कहा यूजिंग इक्वेशन 5.8 वी सी डैट। अगर हम इक्वेशन 5.8 यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने इस ब्लॉक में 5.8 इक्वेशन जो है वो लिखी है। बेसिकली दीज इक्वेशंस आर ट्रांसफॉर्मेशन, किसकी है, द एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी और मोमेंटम की जो इक्वेशन है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये PX की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये PY की है, ये PZ की है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अगर यहाँ पे यूज करें तो PY डैश की जगह हमें क्या मिल जाएगा, PZ
पीई वाई, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया पी वाई में। सिमिलरली पी डैश एक्स जो है उसकी जगह हम ये उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, तो हमारी ये जो थीटा डैश था ये ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा, कि इसमें थीटा जो है एंगल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ये लाइन्स आप छोड़ दीजिए, इस इक्वेशन का नंबर नोट करें 5.12। अब नेक्स्ट हम चलते हैं उस ये डायग्राम, बेसिकली वो कह रहा था मैंने आपकी टेलीस्कोप की आपको सिंपल वन एक बना दी है। द इक्वेशन 5.12 इज द रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर द एबरेशन ऑफ लाइट। ये हमारे पास जो फार्मूला ड्वेल्व हुआ है 5.12, ये फार्मूला किसका है, ये एबरेशन ऑफ लाइट का है, ठीक है। जैसे ही हम जो है वो बेंड करेंगे अपने टेलीस्कोप को तो उसमें लाइट में कितनी एबरेशन होगी, कितना उसमें बेंड आएगा, वो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कोर्स एंड हो चुका है, इसमें अगर कोई क्वेश्चनिंग हो आपकी तो आप उनसे बिना झिझक किसी भी टाइम जो है वो कंसल्ट करके क्लास एक रखवा के पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।